हमें कम से कम पैसा लगाने पड़े और अधिक से अधिक उपज निकलने चाहिए। जहाँ सिद्धांत तो काम करते रहेंगे। टिल्लू मम्मी, अरे बाजार जा रहे थे हम, कुछ मंगाया तो नहीं है तुम्हें? टिल्लू पापा, मंगाने तो है पर तुम ला नहीं सकत। ऐसो का मंगाने श्रीमती जी? पतो कल चंपक चाचा की पत्नी मिले थी, वो इतनी सुंदर साड़ी पहने थी, कम से कम वो साड़ी 4-5 हजार की हुई है, पतो। तो तुम तो सही कह रही हो, तो चंपक चाचा कपड़े तो बड़े अच्छे पहना देंगे, है ना? और कुछ बहुत खर्चा करत? अबे 5-7 दिन पहले वो माता की चंदा गिराने आए थे तो हम 100 रुपये देते, हमने 500 रुपये देते। बाकी पास जमीन तो अपने बराबर है, लेकिन बिना होशियार बहुत हैंगे, उनको उठवो बैठवो पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा हैं। सुनो टिल्लू के पापा, तुम बाजार जाओ तो टिल्लू के काजे टी शर्ट और बनियान ले आइयो, और कछु नहीं चाहिए। तुम्हारे लाने हम चूड़ियाँ ले आए अच्छी सी, है ना? और फिर आगे और देखेंगे अच्छी अच्छी चीजें ले आए, लेकिन अब तो हम जाए जल्दी, लेट हो गए। मम्मी सही कह रही थी, ये बात है दोस्ती बढ़ाना पड़ेगी, कुछ रास्ता तो खोजना पड़ेगा। जैसे जो वो करत है वो काम, जैसे अच्छी खेती वो करत, अपन भी सीख ले, वास कुछ तो करना पड़ेगा। टिल्लू की मम्मी, रास्ता भर हमारे दिमाग में वही चलत रहो कि का करे, कैसे अपनी खेती अच्छी करे। तुम लियो पहले अच्छे से बैठो और जो गुड़ पानी पियो, अब बताओ का सोच रहे। हम तो वो चंपक चाचा जैसी खेती करवो चाह रहे हो, का करें वासन दोस्ती करवे के लाने, बाकी संगे उठो बैठो चालू करना पड़ेगा हमें, तब पची जानकारी मिल जाएगी। कैसे हम बताएं भी, चंपक चाचा हैं तो अच्छे आदमी, लेकिन ऐसे कोई अपनी बात थोड़ा बता थर खाऊ को। तो सुनो, आपके वे चाचू राम तो आपके अच्छे दोस्त हैं ना, और चाचू राम ही चंपक चाचा के अच्छे दोस्त हैं। तुम एक काम करो कि तुम चंपक चाचा के पास ना जाओ पहले, चले तुम जाओ चाचू राम के पास और चाचू राम से बातें करो। तुम बड़ी होशियार होगी, मैं कही में तुमने समाधान दे दो। हम दिन भर से सोच रहे थे अपनी समस्या को लेके, और सुबह से शाम हो गई और तुमने 2 मिनट में बाबा आंसर दे दो। अरे चाचू राम भैया, कहाँ हो, सुन रहे होगे? आओ भैया, टिल्लू के पापा आ जाओ, बहुत दिन बाद यार तुम दर्शन दे रहे हो, क्या बात है? यार तुमसे काम हो तो हमें, कहा है कि वे चंपक चाचा है ना, वे कितनी अच्छी खेती करते, ऐसा कहा करते वे, तुम्हारे तो वे खास दोस्त है ना, कुछ बताओ यार उनके बारे में। भाई यार, वे चंपक चाचा तो बहुत ईमानदार, बुद्धिमान और कर्मठ व्यक्ति है यार, वे तो बहुत अच्छा काम है उनको, और वे बहुत ईमानदारी से अपनी खेती करते यार। वे अपने खेत में जब जात है ना, तो चप्पलें बाहर उतार के जात, और ऐसे मिट्टी उठाएंगे और उठाके और अपने ऐसे माथे पे लगात रोज। अरे जासे का हो, जासे जो हो कि भैया, जैसे ही चप्पलें उतार के जमीन पे पैर रखा देंगे तो मालूम पड़ जा कि जमीन कितनी मुलायम है, और कहूँ जमीन कठोर तो नहीं हो रही, जो पतो पड़ जात, और फिर हाथ में मिट्टी लेवे से मालूम पड़ता है कि भुरभुरी है कि कैसी हो रही है ना, और नमी कितनी है वहाँ में, सब चीजें पतो पड़ जात। और दूसरों धरती माता को वहाँ में सम्मान भी होते है, तो धरती माता खुश होते। वे रोज सुबह खेत जात डेली, तुम अगर घर जाओगे तो सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक वे तुम्हें घर मिल ही नहीं सकते। हम तो 2500 बार गए, कहूँ नहीं मिले भी हमें, और रोज पूरो खेत घूमत, अपनो पूरो खेत घूमत। खेत तो हम भी जात, लेकिन बस हमारा टाइम फिक्स नहीं है और दिन फिक्स नहीं है। जोई तो बात है भैया, जावे को समय कभी भी चले जाओ, या एक निश्चित समय पे जाओ, वहाँ बहुत अंतर होती है।
वे रोज समय से जात तो उनके पौधा उनसे बातें करत, उनकी फसल उनसे बातें करत हैगी। और का काहे की फसल जैसी वे घूमेंगे पूरे खेत में घूमत हैंगे ना, तो फसल बता देत हैगी कि हमें का समस्या है, हमें का समस्या है, वाको का चाने फसल को। तो इतना होते जैसे जैसे अपने जानवर होते करे, अगर जैसे अब जैसे तुम्हारे शाम के तुम 4 बजे जाकर दूध निकालवे जा तो बाकी पास मिलवे जा, तो 4 से 4:15 कर दियो तो मालूम पड़ जाए चिल्लाने लगा तो गैया रवान लगा कि आ जाओ। ऐसे ही पौधा भी बुलाने लगा कि भैया बता दे कि का समस्या है, का चाहने बाको। और तो पता ही है कि पौधा भी जीवित होते भैया, और खेत में जब पूरे खेत में घूमत हैंगे ना पौधों को ऐसे छूके देखा और ऐसे पास से देखा अच्छे से, तो मालूम पड़ जाता है कोई रोग तो नहीं आ गया, कोई कीड़ा तो नहीं है, वो फसल कमजोर तो नहीं है, कुछ समस्या तो नहीं है, सब पता पड़ जाता। और सबसे बढ़िया फायदा एक और है कि इतनों खेत घूमते हैंगे सुबह सुबह से तो स्वास्थ्य भी उनको अच्छा है, देखो कितने सुंदर लगा। अरे जासा तो बहुत फायदा है यार, वे जो है वे अपने खेत को पूरा साल भर को प्लान बना ले कितने कितने काका बोले ऐसा में, मतलब कौन से खेत में का बुवाई करेंगे पूरा प्लान बना ले। और वे का करा देंगे भी वे कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक साहब रहेंगे भी उनके पास वे रोज जात, कुछ भी काम हुए नेक्स्ट फ्री हो तो चले जात और वहाँ से निकले तो इतनी चली जाती। और जाके कौन सी नई तकनीक आई है, कौन सा नया बीज आओ है, कौन सी दवाई है, कौन सी खाद है, सब पूरा पता करके रखते और लिख लिए पूरा डायरी वगैरह में, और बही के हिसाब से अपना दिमाग लगा के पूरे अपने खेत को प्लान बना देंगे साल भर को। बहुत शानदार, वे हर साल 9 बीज बोतेंगे, वे का कर रहते हैं वैज्ञानिक उन्हें बताते हैं कि भाई जो नई किस्म आई है अच्छी है, वे बाग को थोड़ा सा बीज मंगा लेते चाहे वैज्ञानिकों से भी जुगाड़ करके मंगाते हैं और नेक्स्ट से टुकड़ा में अपने लगा के बीज बना लेते पेड़ ने, और 9 बीज हर साल बना लगाते भी तो वो लगाते हैं। और जो काम जगह करने मतलब फिक्स टाइम है उनको, आज को काम आज ही करने, कल पे छोड़ते नहीं है भैया, अगर उन्हें समझ में आए कि आज दवाई डलने डलने ही है भैया कछु हो जाए तो मतलब समय पर काम कराते हैं। उनके घर है एक चार्ट बना है दीवार पे, वैसे बनाए चार्ट पे बापे पूरी लिखा कि कब है का करने खेत में, और जो बच्चों के करत हैंगे बापो बापे लिख दिए थे पूरा, मतलब अगर जाओगे तुम देखे तो उन्हें पूरा प्लान सामने लिखा कि कब है का करने और काका भी कर चुके हैं। वे खाद खिलाने वे अपने घर है केंचुआ खाद के बहुत सारे गड्ढा बनाएंगे, खेत में भी बनाए और घर भी बनाए, और खूब केंचुआ खाद भी तैयार कराते हैं और खेत में डाला थे, और संगे संगे वे राइजोबियम PSB एजोटोबैक्टर ट्राइकोडर्मा जब जैविक खादें होती हैं जी इन सब वही खाद में मिला के और डाला थे खेत में, सोचो कितना बड़ा काम कराते। वे इल्ली रोग इन गच्छों को इंतजार नहीं करते कि जब आ जाएगा पड़ोसी बताएगा या खेत में जाके देख लेंगे इल्ली आने लगी तब वो डालेंगे दवाई वहाँ में, ऐसा नहीं करते उनको, तो चार्ट में पहले से फिक्स है कि जा तारीख को बुवाई करी और जा तारीख को इल्ली आए ना आए दवाई डल जाएगी उनकी, तो ऐसे में बिल्कुल टाइम से दवाई डाला था। जाके बाद उनके पास एक नमी माप देखो नमी नाप देखो एक यंत्र है को बाग में लगा जमीन में और चेक करते हैं रोज चेक करते, तो जैसे सिंचाई करी और 8-10 दिन बाद चेक करने लगाते हैं, चेक करके ज्यादा ना होने लगाते हैं कि पानी अब जरूरत है तो ही पानी दे, मतलब इतनी समझदारी से करते हुए कि पानी बर्बाद ना जाए और ज्यादा पानी ना हो जाए, ज्यादा पानी पानी से भी उपज कम हो जाता भैया, अपन सोच की पेल दो पानी तो का हो रहा ऐसा नहीं होता है ना, तो भी पूरा ध्यान रखना बात चीज को। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो बताई नहीं है हमें, तो बे पूरा हिसाब किताब अपने चार्ट पे लिखते हैं एक एक पैसा को, अगर वे आज खुद गए तो आज ही अपनी तक मजदूरी में लिखते हैं कि भैया आज हम गए खेत पे तो 2 घंटा हमने काम करो तो हमें कितने रुपया खर्च हुए, ऐसे पूरा हिसाब लिखत जो देखत वे कि भैया आज पूरा हमने पूरी फसल में कितना पैसा लगाओ और बात है कितना पैसा हम कमा रहेंगे। अब तुम करत हो क्या बताओ, कोई नहीं करत जो काम, तो वे बहुत दिमागदार आदमी हैंगे, वे बड़े बड़े वैज्ञानिक से मिलवे जाते हो
अच्छा, ये जो वैज्ञानिक बता वो तो भी करते ही हैं, जा के अलावा भी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक से मिल भी जाए, वे कॉलेज में जो डॉक्टर साहब बड़े बड़े वैज्ञानिक हो उनसे मिल भी जात भी कहूँ, अगर कहूँ कहीं कहूँ अगर अब अलग ये कार्यशाला टाइप की लगत ना जहाँ में सब दिखाते हैं कि बीच बीच कैसे कहा है उतर जात दिल्ली दिल्ली बॉम्बे बॉम्बे जात दे, मतलब भी जहाँ उन्हें नई जानकारी मिलने वाली होते हैं उन्हें मालूम पड़ जात तो भी वहाँ जाते ही हैं, चाहे पैसा खर्च करना पड़े उन्हें तो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उनको एक उद्देश्य है कि कैसे हमारे खेत की लागत कम हुई, हमें कम से कम पैसा लगाने पड़े और अधिक से अधिक उपज निकलने चाहिए, जहाँ सिद्धांत पे काम करते हैं बेखर्चा टाइम कर बर्बाद नहीं कर पैसा घूमे नहीं जा सीख भी जा वहाँ में खर्च कर दे, लेकिन वे खेत में दवाई भी कम डालेंगे, वे बहुत कम दवाई डालते हैं, खाद भी कम डालें रासायनिक खाद भी कम डालें लेकिन देसी खाद बहुत डालते, तो ऐसे में कम लागत में और लाभ ज़्यादा कमा रहे हैं, जहाँ से वे ऐसे हो गए। अब समझ में आई कि वो अच्छी कमाई कैसे करत और कैसे खूब खर्च करत। देखो भैया खेती भी पूरी पढ़ाई की जैसी हो गई, समझ में आई, तो वैसे तो ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं अच्छी अच्छी, अब तुम्हें सब सब चीज सीख भी खिला रहे उनके संगे रहना पड़ेगा, उनके संगे तुम्हें समय बिताना पड़ेगा, तब समझ में आएगा भी वो कहाँ करते हैं। अब जो तुमने बताई हम वैसे ही खेती करेंगे और बस इतना हुआ और काम करवा दियो कि बाद से चंपक चाचा से हमें एक बार हमारी दोस्ती करवा दो यार।